आज हम जो डिस्कस करेंगे 9 और 9C की पूरी चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन डिस्कस करने से पहले एक चीज मैं आपको ये बता दूं, हर चीज का सॉल्यूशन 9 में नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि 9 में हर चीज का सॉल्यूशन है, ये हमारी गलतफहमी। तो स्टार्ट करते हैं, पहले एक दो क्वेश्चन मैं पूछूंगा और उसके बाद आपकी बारी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से कि आप मुझे बताएं, अगर मैंने GSTR 9 फाइल नहीं करी, सपोज दैट मेरी टर्नओवर है 2.5 करोड़ रुपए की दिल्ली में और मेरी टर्नओवर है यूपी में नील, आपको ये पता है कि अगर ये वाला केस है तो मुझे दिल्ली के GST नंबर पे भी 9 फाइल करनी है और यूपी के GST नंबर पे भी 9 फाइल करनी है। ये चीज क्लियर है? मैंने दिल्ली की GSTR 9 फाइल कर दी लेकिन मैंने यूपी की GSTR 9 फाइल नहीं करी, तो मुझे कितनी लेट फीस लगेगी? जी सर, सर 25,000। कहां से कह रहे हैं, कहां लिखा है 25,000? सर कोई लेट फीस नहीं लगेगी, यूपी के केस में कोई लेट फीस नहीं लगेगी। सर कैसे, क्या सर सही कह रहे हैं, क्या सर सही कह रहे हैं? जी अंकित जी, लगेगी लेट फीस, कहां लिखा है लगेगी? चलिए तो एक सेक्शन नोट कीजिए, मैं कुछ बातें सेक्शन से करूंगा। सेक्शन 47, जब मैं सेक्शन 47 की बात करता हूं तो सेक्शन 47 लेट फीस की बात करता है, और जब मैं लेट फीस के लिए सेक्शन 47 पढ़ता हूं एनुअल रिटर्न का, आपको दिखा दूं एक बार, शायद आप लोग ना लाए हो उसका प्रिंट आउट। सेक्शन 47 सब सेक्शन 2 रीड करते हैं, कहता है एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्स टू फर्निश द रिटर्न अंडर सेक्शन 44 किस चीज का, एनुअल रिटर्न का, कि अगर कोई व्यक्ति एनुअल रिटर्न फाइल करनी रह जाती है बाय द ड्यू डेट शैल बी लायबल टू पे ए लेट फी ऑफ ₹100 फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यू। ₹100 पर डे लग रही है सर यहां तक, सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम, अब इस वर्ड को हाईलाइट कीजिएगा, समझिएगा, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ एन अमाउंट कैलकुलेटेड एट द क्वार्टर परसेंट ऑफ हिज टर्नओवर। सर मैंने 10 दिन 31 अगर लास्ट डेट है, मैंने 10 सितंबर को फाइल करी, आपने लेट फीस कैलकुलेट करी ₹100 पर डे, 1000 CGST, 1000 SGST, मैक्सिमम टू 0.25% ऑफ द टर्नओवर इज जीरो, कितनी लेट फीस देनी है, जीरो। तो पहली चीज ये, अगर लॉ में कहीं लैकुना है तो हम उसका बेनिफिट लेंगे। टर्नओवर ऑफ डेट स्टेट ओनली सर, डेट स्टेट ओनली, जी मैक्सिमम लिखा है ना, क्या लिखी है वहां पे वर्डिंग, मैक्सिमम। ये लॉ के अंदर लैकुना है, मैं इसका बेनिफिट जरूर लूंगा, मैं लेट फीस नहीं जमा करूंगा अगर मेरी GSTR 9 नील की है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर नील की भी है तो 2 मिनट लगेगी, 5 मिनट लगेगी, भर देना, ठीक है। सर ने काफी सही बताया, ठीक है। तो हमें लॉ को इस हिसाब से इंटरप्रेट करना है जिससे हम सेफ साइड हो जाए। अब बात करते हैं GSTR 9 की। सर देखिए, क्वेरी सेशन में दो चीजें हो सकती है, या तो जो आपकी क्वेरीज है मैं पहले ही एक्सप्लेन कर दूं कि सेल में यह दिक्कत है, ITC में यह दिक्कत है, और आप इसी कॉलम में हिट करें, उसके बाद आपकी मैक्सिमम दिक्कत खत्म हो जाएगी, फिर इंडिविजुअल क्वेरी ले लूंगा, या आप कहो तो इंडिविजुअल ले लूं, कोई बात नहीं। आप बताएं क्या क्वेरी है आपकी सर। हाँ GSTR 9 में टैक्स पेबल का कॉलम नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए जो फॉर्म बना है मैं उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा, क्योंकि वो जेटली साहब निर्मला सीतारमण जी ने बनाया, मैं सिर्फ उसमें बताऊंगा कि मेरे अकॉर्डिंग वो चीज कहां पे आएगी, ठीक है ना जी। अब जैसे सर ने बोला कि सर मैंने अभी तक फाइनेंशियल ईयर 17-18 में 3B में 1 रुपया भी टैक्स जमा नहीं करा, लेकिन आज मेरी इंटेंशन है टैक्स जमा करने की,
और मैं GSTR 9 के थ्रू टैक्स जमा करना चाहता हूँ, तो आप नोट करें कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5, कॉलम नंबर 9, कॉलम नंबर 10, कॉलम नंबर 11 और कॉलम नंबर 14। ये सारे कॉलम मैं हमेशा टच करूंगा, इनमें से कोई ना कोई सा कॉलम अगर मैं सेल की बात करूंगा। हम इन कॉलम्स के दायरे से बाहर नहीं जाएंगे। 4 भी सेल की बात करता है, 5 भी सेल की बात करता है, और उसके बाद जो मैंने आपको बताया कॉलम नंबर 9 वो टैक्स की बात करता है, कॉलम नंबर 10 और 11 सेल की बात करता है, और कॉलम नंबर 14 टैक्स की बात करता है। ठीक है जी, क्लियर हो गई यहां तक? अब जब सर ने बोला कि मैंने 1 करोड़ पे टैक्स नहीं दिया, मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 में सर आपने टैक्स नहीं दिया, क्या वो टैक्स आपने 18-19 में दिया या नहीं दिया? नहीं। आपने 18-19 में भी वो टैक्स नहीं दिया। जब आपने वो टैक्स ना 17-18 में दिया ना 18-19 में दिया, तो इसका मतलब टैक्स तो हमें देना है, ठीक है ना जी? तो टैक्स हमारे को देने के लिए पहली चीज, यहां से मैं एलिमिनेट कर देता हूं कॉलम नंबर 10 और 11 को, क्योंकि कॉलम नंबर 10 और 11 में वो डिटेल जाती है जिस जो फाइनेंशियल ईयर 17-18 की है और जिसका टैक्स कब पे किया हो, 18-19 में। तो 10 और 11 एलिमिनेट हो गया, कॉलम नंबर 5 ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया क्योंकि वहां पर एग्जेम्प्ट की जाती है। अब मेरे पास कितने कॉलम बचे? 4 और 9, क्योंकि 14 नंबर कॉलम कब जाता है? जब 10 और 11। अब आपके पास 2 ही कॉलम बचे, कॉलम नंबर 4 और कॉलम नंबर 9, और ये वाली डिटेल इन्हीं कॉलम में जाएगी, कॉलम नंबर 4 में और कॉलम नंबर 9 में। कॉलम नंबर 4 में आप सेल दिखाओगे और कॉलम नंबर 9 में टैक्स पेबल दिखाओगे। क्या दिखाओगे? टैक्स पेबल दिखाओगे, टैक्स पेड उसमें नहीं आ रहा होगा, और उस टैक्स पेड जो नहीं आ रहा होगा उस टैक्स पेबल को आप DRC 03 से पे करोगे। देखो मैंने क्या, सर मैं आपको फिर वही चीज कहूंगा, मैं उसके हिसाब से चलूंगा जो मेरे सामने है। नहीं सर, मैं लैकुना नहीं कहूंगा ना, मैंने फॉर्म को उस पर इंटरप्रेट कर लिया। अब मैं 10 अगस्त को अगर मैं ये चीज सोचूंगा कि फॉर्म चेंज होगा, तब मैं काम करूंगा, ठीक है ना? हाँ सर, नहीं मैं वही चीज आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल वैलिड है कॉलम नंबर 9, टैक्स पेबल दिखाओ और उसकी पेमेंट DRC 03 से पे कर दो। एज पर सेक्शन 50 नोट करें, एज पर सेक्शन 50 सब सेक्शन 1, ठीक है जी, आपको 18% का इंटरेस्ट जमा करना है। DRC 03 में ऑप्शन आएगा। अब सर का क्वेश्चन ये है कि सर अगर मैं DRC 03 को फाइल करने जाऊंगा, तो उसके अंदर वो पीरियड मांगता है, एक तो कंसोलिडेटेड और एक मंथ वाइज मांगता है। अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा तो आप मंथ वाइज पे करें, जिससे आपकी इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी अलग से अलग हो सके और टैक्स की कैलकुलेशन भी कल को अगर आपको समझाना पड़े तो डिपार्टमेंट को समझ जाए, ठीक है जी? क्लियर हुआ? और क्वेश्चन, हाँ मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन आया कि 2A और 3B में डिफरेंस आ रहा है, किसमें जी? 2A और 3B में, ये एक कॉमन है। तो अगर मैं बात करूं सर, 3B का जो टैक्स होता है, आप नोट करें, कॉलम नंबर 6A में जाता है, ठीक है जी, कॉलम नंबर 6A में जाता है, और जो 2A का टैक्स होता है वो कॉलम नंबर 8A में जाता है, 8A, ठीक है ना जी? 3B का जाता है 6A में और इसका जाता है हमारा 8A में। अब हुआ क्या कि भाई मेरे पास बिल है, सारी चीजें, सब चीजें ठीक है, और मेरा 3B में जो टैक्स है वो बिल्कुल जेन्युइन है सर, तो मैंने 6B के अंदर भी वही टैक्स डाला जो 6A में आया, मैंने वही 6B में डाला, ठीक है ना जी? जब मैं 6B में वही कॉलम डालता हूँ, वही टैक्स डालता हूँ, वो उठकर आता है 8B में। 6B से किसमें क्रॉस होकर आता है जी? 8B में। जब वो 8B में मेरा टैक्स ज्यादा है और 8A में मेरा टैक्स कम है, गलती क्या है? गलती के रीजन लिखिए। गलती क्या, या तो सामने वाले सप्लायर ने अपनी GSTR 1 फाइल नहीं करी, या अगर उसने 1 फाइल करी है B2C में डाल दिया, या उसने बाद में अमेंडमेंट करी, वो मुझे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। अगर ये तीनों केस हैं तो आपका ITC वैलिड है, क्योंकि सामने वाले ने टैक्स पे किया है, और सेक्शन 16 ITC की कंडीशन ये बताता है, आप नोट करना चाहे तो करें, सेक्शन 16 सब सेक्शन 2, वो ये 4 कंडीशन कहता है कि भाई बिल तुम्हारे पास हो,
गुड्स और सर्विस रिसीव हो गई हो, तुमने अपनी रिटर्न फाइल कर दी हो और टैक्स पेड हो चुका हो, सामने वाले ने टैक्स पे कर दिया, वहां पर ये कहीं नहीं लिखा कि वो टैक्स किस में आ गया हो, 2A में आ गया हो, लिखा है क्या ये वाली बात? नहीं। तो बताओ मेरे को ITC मिल जाएगा या नहीं? ITC मिल जाएगा, लेकिन सेफर साइड आपको क्या बताऊं कि एक नोटिस आएगा आपको कि जी आपके 8A में टैक्स इतना था और आपने 8B में इतना क्लेम किया, ये डिफरेंस आ रहा है, बताओ तुम पर तुम्हारा ITC डिसअलाउ क्यों ना किया जाए? तो आप उस केस में क्या करोगे, अपने सप्लायर से लेटर हेड पे, इंडेमनिटी बॉन्ड पे, लेटर हेड पे और इंडेमनिटी बॉन्ड पे ये चीज लिखवा के ले लेंगे कि साहब मैंने इसका टैक्स जमा कर दिया है और ये 8A में ना आने का ये रीजन है। मैंने अभी आपको 3 रीजन बताए ना, ठीक है ना जी, कि 8A में ना आने के ये रीजन है, तो मेरे SSC को, मेरे रिसिपिएंट को टैक्स अलाउ किया जाए क्योंकि इस पर टैक्स जमा हो चुका है। अगर आप ऐसा करते हो तो इसका मतलब आपने अपने एविडेंस को अच्छे से बना के रखा है। और अगर अगला केस, अगर अगला केस सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया, एक केस ये भी तो हो सकता है ना जी, सप्लायर ने टैक्स पे नहीं करा, GSTR 1 फाइल नहीं करी, 3 भी नहीं डाली, उसने टैक्स पे नहीं करा, आज नहीं तो कल आपको वो टैक्स पे करना पड़ सकता है क्योंकि गवर्नमेंट ने जो पुराना लॉ था, पुराने लॉ में लिखा था या तो सप्लायर टैक्स देगा, ठीक है, सप्लायर से टैक्स नहीं दिया, तुमने ITC ले लिया तो रिसिपिएंट तुम लायबल हो। लेकिन अगर मैं अमेंडमेंट एक्ट की बात करता हूँ तो अमेंडमेंट एक्ट, फाइनेंस एक्ट में भी ये बात लिखी कि भाई अब की बार ऐसा नहीं होगा कि हर बार रिसिपिएंट पिसेगा, इस वाले केस में रिसिपिएंट एंड सप्लायर बोथ आर लायबल, रिसिपिएंट एंड सप्लायर बोथ आर लायबल, रिसिपिएंट को तब पकड़ना जब सप्लायर ट्रेसेबल ना हो। तो हाँ जी, ये चीज है, तो आप अगर उस तरह का ITC लेते हो तो उसमें हाईली रिस्क है, आप अपने क्लाइंट को बता के चलो, ठीक क्या जी? ये रेस्ट्रोपेक्टिव नहीं था सर, अभी उसकी नोटिफिकेशन नहीं आई, इट मे बी पॉसिबल, क्या पता वो रेस्ट्रोपेक्टिव हो जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि अभी ऐसा कुछ आया नहीं है, लेकिन अमेंडमेंट एक्ट, फाइनेंस एक्ट में ये वाली बात इन्होंने लिखी है, सेक्शन को अमेंड किया है। नहीं नहीं, अब इन्होंने क्या बोला कि सर मेरे पास सारी चीजें हैं, लेकिन जब मैंने माल परचेज करा था, जब मैंने माल परचेज करा था तब उस पे बिल पे उसने मेरा GST नंबर ही नहीं डाला, और जब मेरा GST नंबर नहीं डाला तो उसने उस सेल को किस में दिखा दी, B2C में। तो अब मैं आपको बताता हूं, इसमें आपकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, वैलिड टैक्स इनवॉइस वाली, वैलिड टैक्स इनवॉइस, टैक्स पेड की कंडीशन सेटिस्फाई है, वैलिड टैक्स इनवॉइस की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। तो इस वाले केस में आप क्या कीजिए, उससे इनवॉइस अगर चेंज करा सकते हो विद GST नंबर, या तो स्टैंप लगा के या कुछ भी लगा के अगर वो ले सकते हो, साइन करा सकते हो, तो वो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, इंडेमनिटी बॉन्ड भी आ गया टैक्स पेड का, ITC मिलना चाहिए। लेकिन वो तो नहीं करेगा ना सर, सर ये B2B कर दे तो उसकी GSTR 1 गलत, नहीं नहीं सर, वो तो अब कर ही नहीं सकता, वो तो अब कर ही नहीं सकता, लेकिन वो इंडेमनिटी बॉन्ड पे लेटर एड पे लिख के तो दे सकता है कि ये वाली सेल मैंने B2C में डाल दी, उस टाइम पर SSC ने मुझे GST नंबर प्रोवाइड नहीं करा पाया था, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि अगर मैंने टैक्स पे किया है, मेरा वैलिड ITC है, तो गवर्नमेंट मुझे ना दे, लेकिन हमें एक प्रोसीजर से तो चलना पड़ेगा ना। अब देखो, अब जो ये देखिए, जो पोर्टल का इशू है, 8A में अलग आ रहा है, 2A में अलग आ रहा है, समरी में अलग आ रहा है, मैं ये कह रहा हूं मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मेरे को तो मतलब अपने वैलिड ITC से है, अगर मेरा वो वैलिड ITC है मैं क्लेम करूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। वो बात अलग है कि आप जो वो रिकंसिलेशन हो रही है ऐसा क्यों हो रहा है, आप अगर आपके पास वक्त है तो उसका रीजन देखिए कि भाई क्या पता बाद में बिल डाले, लेकिन मैं आपको ITC मिलेगा ये गारंटी है, मिलना चाहिए पूरी तरीके से। एक क्रेडिट है हमारा 2A में तो नजर आ रहा है, हाँ, लेकिन 8A में नजर नहीं आ रहा। अब देखिए सर, इनका क्वेश्चन है कि सर ITC 2A में नजर आ रहा है, 8A में नजर नहीं आ रहा। अब मैं इसका रीजन बताता हूँ, आप लिखिए, मैं बताऊंगा ना सर, ठीक है। इनका जो क्वेश्चन है कि सर 2A में ITC आ रहा है लेकिन
एट ए में नहीं आ रहा, इसके पॉसिबल रीजन समझिए ऐसा क्यों होता है। ठीक है जी, मैं सामने वाले से माल परचेज करके लाया, उसने अपनी GSTR 1 में चढ़ाया, उसने जैसे ही GSTR 1 में चढ़ाया मेरे 2A में आ गया, मेरे 2A में आ गया, उसने GSTR 1 या तो सबमिट नहीं करी या सबमिट करके फाइल भी कर दी, स्टेटस भी यस लिखा आ गया, मैं भी बड़ा खुश हो गया, लेकिन उसने अपनी आज तक 3B फाइल नहीं करी। गवर्नमेंट कह रही है पागल बना रहा है हाँ, कि पेमेंट लेने के लिए तूने GSTR 1 डाल दी, सबमिट कर दी, सामने वाला खुश 2A में यस होके आ गया, तेरी पेमेंट रिलीज कर दी, 3B फाइल नहीं कर रहा, तो टैक्स तो आया ही नहीं। तो भाई साहब 2A में आएगा, किस में नहीं आएगा, 8A में नहीं आएगा। अब क्या, हम क्या करें? मैंने फिर वही वाली बात, फिर वही बात, सेक्शन 16 आपका है, सामने वाला डिक्लेरेशन देता है, टैक्स पेड है तो लीजिए, नहीं तो अब मेरा चक्कर ये है, मेरी प्रॉब्लम एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि 8A इज फ्रोजन, आई कांट चेंज दैट फिगर। नहीं कर सकते, मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला ही 8A को चेंज करो, आप तो अपना जो 6B में डाला है वो 8B में लो, 8B और 8A में जब डिफरेंस आएगा नोटिस आएगा, नोटिस का रिप्लाई देना। अब देखिए, अब एक चीज ये समझिए, आपको ये तो पता होगा IGST का क्रेडिट मिल जाता है, पता है ना जी, हर केस में मिल जाता है, हर केस में मिल जाता है सर। अगर मेरे बिल पे IGST लिखा हुआ आ रहा है, क्या मुझे हर केस में IGST का ITC मिल जाएगा? क्या कहते हो सर? हाँ, तो आज आप एक बात और नोट करें कि IGST का क्रेडिट हमें तभी मिलता है, IGST का क्रेडिट हमें तभी मिलता है जब प्लेस ऑफ सप्लाई IGST में बिल डालते समय जब प्लेस ऑफ सप्लाई मेरी स्टेट का डाला गया। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई मेरी स्टेट का नहीं डाला गया तो मुझे IGST का क्रेडिट कभी नहीं मिलेगा। इसी बात पे मैं अभी उन सर की पहले वही वाली सर बता दूं कि अगर IGST उन्होंने डाला लेकिन उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई मेरी स्टेट का नहीं डाला तो मुझे ITC नहीं मिलेगा। सर देखो ना, पेमेंट से मतलब नहीं ना, पोर्टल पेमेंट नहीं समझता ना सर, प्लेस ऑफ सप्लाई दूसरी जगह का डाल दिया ना यूपी का, और मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे CGST SGST का क्रेडिट तब मिलता है जब मेरी स्टेट का हो, और IGST का क्रेडिट कब मिलता है जब प्लेस ऑफ सप्लाई मेरी स्टेट हो। क्या आपके केस में इन दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा? अब उस केस में मैं आपको बताता हूँ, सप्लायर को बोलिए कि अपनी एनुअल रिटर्न में कॉलम नंबर 4 में चीजें ठीक करें जी, कॉलम नंबर 4 में चीजें ठीक करें, कॉलम नंबर 9 में चीजें ठीक करें। और अगर वो कॉलम नंबर 4 में कॉलम नंबर 9 में चीजें ठीक करता है आपने, और वो इंडेमनिटी बॉन्ड लिख के देता है, लेटर हेड देता है, तब आपको ITC मिलेगा। सर उसे चेंज भी तो कर सकते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई को, आपने करके नहीं देखा होगा, करके देखिएगा प्लेस ऑफ सप्लाई चेंज होता है। हाँ, तभी तो सेक्शन 10 और 12 बने IGST के। होटल से कहता है मुझे IGST का बिल चाहिए, SCZ कभी भी गलत नहीं कहता इस बात में। आप नोट कीजिए सेक्शन 7 ऑफ IGST एक्ट, जब आप सेक्शन 7 ऑफ IGST एक्ट पढ़ोगे इंटर स्टेट सप्लाई का, वो कहता है SCZ को दी जाने वाली सारी सप्लाई, SCZ से ली जाने वाली सारी सप्लाई, सारी क्या होगी, इंटर स्टेट होगी। चाहे हम दिल्ली की दिल्ली में जी, सेक्शन 7 सेक्शन 8 ऑफ IGST एक्ट। सर मैं आपको बताता हूं, मैंने 3 सेक्शन आपको बताऊंगा, सेक्शन 7 सेक्शन 8 एंड सेक्शन 12 ऑफ IGST एक्ट। जब सेक्शन 7 ये कह देता है, सेक्शन 7 ये कह देता है कि अगर SCZ को सप्लाई करी वो सप्लाई क्या होगी, इंटर स्टेट, तो क्या उस वाले केस में मैं प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजन पढ़ूंगा? प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजन में क्यों पढ़ता हूं, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई जानने के लिए, और प्लेस ऑफ सप्लाई में क्यों जानना चाहता हूँ, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट के लिए। और जब सेक्शन 7 खुद ये कह देता है कि SCZ को दी जाने वाली सप्लाई क्या है, इंटर स्टेट है, तो क्या मुझे प्लेस ऑफ सप्लाई का सेक्शन 12 पढ़ना पड़ेगा क्या होटल के केस में? नहीं पढ़ना पड़ेगा, फिर बनाया क्यों सर? वो उसके लिए बनाया जो अदर देन, नहीं सर इस वाले केस में सेक्शन 12 पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सेक्शन 12 इसलिए पढ़ना पड़ेगा कि भाई तुमने ये तो बता दी इंटर स्टेट सप्लाई है,
लेकिन इंटर स्टेट में किस स्टेट की सप्लाई मानूं, उसके लिए मैं सेक्शन 12 पढ़ूंगा, लेकिन वो ट्रांजैक्शन हमेशा क्या मानी जाएगी सर, इंटर स्टेट मानी जाएगी सुमित भैया। हाँ सर, मैं आपको बता रहा हूँ प्लेस ऑफ सप्लाई वही होगी लेकिन ट्रांजैक्शन वो इंटर स्टेट होगी, इंटर स्टेट। अब सर का क्वेश्चन कि सर क्या उस वाले केस में SCZ के केस में क्या मुझे उसका इनपुट मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा? अब बताओ सर, मिल जाएगा नहीं? नहीं सर, बताओ ना। सेक्शन 16 सर साथ में रीड करते हैं हम IGST का, और जब मैं सेक्शन 16 IGST का रीड करता हूँ तो वो ये कहता है कि SCZ को जो भी सप्लाई करोगे वो क्या होगी, जीरो रेटेड। वो क्या होगी, जीरो रेटेड। और जब वो जीरो रेटेड सप्लाई होगी, या तो आप विद पेमेंट करोगे या विदाउट पेमेंट करोगे। सर विदाउट पेमेंट करो या विद पेमेंट करो, टैक्स तो SCZ को फिर भी नहीं देना। आप समझे मेरी बात? तो सर मैं आपको एक चीज बताऊंगा, देखो GST की रिटर्न फाइल करने से पहले चाहे 3B हो चाहे 1 हो चाहे GSTR 9 हो या 9C हो, अगर आपने लॉ अच्छे से नहीं पढ़ा तो आप क्वेरी पूछोगे। अगर एक बार लॉ अच्छे से पढ़ लिया फिर आप सॉल्यूशन बताओगे लोगों को, क्योंकि जो ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ सिर्फ लॉ को पढ़कर। तो सर एक चीज़ साथ साथ मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, आप मेरे सीनियर मेंबर से, कि आप एक अपनी हैबिट बनाइए सर कि हमें GST पढ़ना है। नहीं तो सर ये जो यंगस्टर्स है, ठीक है, हम उनसे कम्पीट नहीं कर पाएंगे। सर बुरा मत मानिएगा यंगस्टर्स, देखिए सर सर्वाइवल तो हमें भी करना है ना, सीनियर मेंबर्स को भी करना है, तो सर थोड़ा सा इशू आ जाएगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन, RFD 01A, एक नया फॉर्म है RFD 01A, उसमें से ले ले रिफंड। हाँ अब सर का क्वेश्चन कि 17-18 का RCM पे कर दिया 18-19 में, अब अगर मैं कॉलम नंबर 8C की बात करूँ तो 8C में मैं उसका ITC ले लेता हूँ अगर नॉर्मल होता है तो, लेकिन 8C को वो क्लियरली मेंशन कर देते हैं कि भाई अदर देन आरसीएम। तो साहब इस वाले में गवर्नमेंट की कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। आपको ये सजेस्ट करूंगा कि 17-18 का अगर आपने 18-19 में पे करा, क्या 18-19 में ITC लिया या नहीं लिया? 18-19 में ले लिया, बस वहीं पे बात रखो, एनुअल रिटर्न में उसे कहीं नहीं दिखाना। और अगर कोई और कॉलम हो तो मुझे बताओ, दिखाना है तो बस 17-18, क्योंकि पे ही तुमने जब वहां करा, जब तुमने, क्योंकि RCM का क्रेडिट कब मिलता है, जब पे किया, पे कब करा 18-19 में, तो ITC लेने की बात कहेंगी सर। लेकिन पे कब करी सर, पे कब करी? RCM का ITC सर कब मिलता है? पे करने के बाद। तो जब पे करा 18-19 में, एलिजिबल कब हुए, एलिजिबल कब हुए सर? 18-19 में। हाँ अब वो उससे भी आगे सर, ठीक है सर, मैं बता दूं, नहीं इनका काउंटर क्वेश्चन, क्योंकि एक हमारी एक आदत होती है, देखिए कि जब हम कोई हमारा मेंबर्स क्वेश्चन पूछ रहा होता है, हम उसके क्वेश्चन में अपना क्वेश्चन जरूर लगाते हैं, लेकिन वो जो क्वेश्चन पूछ रहा होता है उसके पीछे ब्रीफ फैक्ट्स होते हैं, उसका माइंड अलग सेट होता है कि मैं इस क्वेश्चन को क्यों पूछ रहा हूँ, क्या फैक्ट्स हैं मेरे, लेकिन हम वो फैक्ट्स नहीं समझ सकते। तो कई बार ऐसा होता है सर, जो किसी का क्वेश्चन होता है कोशिश कीजिए कि भाई वो वहाँ वही पूछ ले तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ सर आपका इसमें क्या था, 19-20 में पे कर दिया सर, लाइबिलिटी तो पे करनी थी, लाइबिलिटी तो पे करनी थी, लेकिन ITC मिलने की कंडीशन अगर मैं बात करूं सेक्शन 16(4) की, ठीक है ना जी, सेक्शन 16(4) क्या कहता है, जिस सितंबर तक मिलेगा और एनुअल रिटर्न तक मिलेगा, वो डेट बढ़ाकर कब कर दी गई थी, 31 मार्च, तो मुझे उसका ITC नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं गुजरात हाई कोर्ट की जाऊं, अगर मैं गुजरात हाई कोर्ट के डिसीजन पे जाऊं, तो वो कहता है कि ITC मिल जाएगा, है ना जी। तो अगर आपका छोटा मोटा ITC है तो छोड़ दो, और अगर बड़ा ITC है एक बार क्लेम कर लो, रिस्क ले लो। हाँ अब देखिए अब इस वाले में थोड़ा सा आपका और मेरा ओपिनियन डिफर आ सकता है। क्वेश्चन क्या है सर, 3B में गलती से ITC ज़्यादा ले लिया, और 8A में मेरा ITC बिल्कुल ओके है, ठीक है जी। अब मैं इस पॉइंट को यहां से समझ आता हूं आपको, साहब देखो मेरा 3B में ITC ज्यादा है, 6A में ITC ज्यादा, 8A में ITC कम। अगर मैं ज्यादा वाला ITC ही 8B में डाल दूं,
ज़्यादा सेम आईटीसी किस में डाल दूँ, 8B में। जैसे ही मैं सेम आईटीसी 8B में डालूंगा, क्योंकि ये कहता भी है कि बाइफर्गेशन देनी है तुम्हें, है ना जी, 8B में क्या कहता है, तुम्हें बाइफर्गेशन देनी है जो आपने ऊपर लिया है। तो अगर मैं वही सेम आईटीसी उठाकर 6A का उठाकर 6B में डाल देता हूँ, ये वाला आईटीसी उठकर किस में चला जाएगा, 8B में, है ना जी, 6 कॉलम बिल्कुल मैच हो गया। लेकिन 8B में जैसे ही आईटीसी उठ के जाएगा, 8A और 8B में डिफरेंस आएगा। अब एक बात तो आप समझना सर, कि ज़्यादा आईटीसी लिया है पे तो करना पड़ेगा, ज़्यादा आईटीसी लिया है पे तो करना पड़ेगा, तो उस आईटीसी को आप पे करोगे DRC 03 से। और कल को जब नोटिस आएगा, जी आपका 8A में आईटीसी कम था और आपने 8B में आईटीसी ज़्यादा लिया, ठीक है ना जी, तो हम ये कह देंगे कि DRC 03 से हमने पे कर दिया। क्लियर है जी ये वाली बात। अब एक मिनट, इसमें मैं अभी पूरा नहीं हुआ कंप्लीट। अब इसमें एक दूसरा ओपिनियन लाता हूं मैं जब ये पढ़ता हूं इनपुट की डेफिनेशन, इनपुट सर्विस की डेफिनेशन ऊपर है ना जी, आपको 8(6)(b) में इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन जब मैं पढ़ता हूं सेक्शन 2 को पढ़कर, तो वो कहता है कि ये वाला वो आईटीसी होता है जो तुम्हारा वैलिड आईटीसी हो। आप मेरी बात को समझना, तो मेरा जब वो वैलिड आईटीसी नहीं है, मैंने क्या गलती कर दी 6A में, मैंने किस में गलती कर दी जी, 6A में गलती कर दी ना, मेरी गलती हो गई मैं मानता हूं, लेकिन मैं वो गलती 6B में रिपीट करना नहीं चाहता। तो जब मैं 6B में रिपीट करना नहीं चाहता, तो मैं 6B में अपना कम आईटीसी ले रहा हूं, क्योंकि मैं सेक्शन 2 के साथ डेफिनेशन भी पढ़ रहा हूं। तो जब मैंने 6B के अंदर अपना जेन्युइन आईटीसी ले लिया, अब आप बताओ क्या कॉलम नंबर 8 मैच हो गया या नहीं, कॉलम नंबर 8 मैच हो गया, 8 से तो नोटिस नहीं आएगा, लेकिन 6 वाला जो डिफरेंस है उसका टैक्स मैंने कहां से पे कर दिया, DRC 03 से। तो सर ये इस वाले केस में 2 ओपिनियन चल रहे हैं, ठीक है ना जी, आप दोनों में से जो आपको अच्छा लगे, अगर आपका मन 6 में ज्यादा है तो 6 को मैच कर लो, 8 में ज्यादा है तो 8 को मैच कर लो, एक तो मिसमैच रहेगा। सर ये क्लियर हुए दोनों, हाँ, दोनों व्यू पॉइंट है, क्योंकि हो सकता है आधा हाउस एक व्यू पॉइंट को समझे, आधा दूसरे को समझे, मैंने दोनों ही क्लियर कर दिए। देखिए इनका क्वेश्चन क्या है, इनका क्वेश्चन क्या है, मेरा फूड का भी बिजनेस, रेस्टोरेंट भी है और लीकर भी है। अब नॉर्मल में कंपोजिशन में नहीं, नहीं दो चीजें, नॉर्मल स्कीम है कंपोजिशन, नॉर्मल स्कीम है। अब आपकी जब नॉर्मल स्कीम है, तो जब मैं नॉर्मल स्कीम के हिसाब से जाऊंगा, तो मुझे उस पर लीकर पे तो अपना जो एक्साइज है वही देना पड़ेगा, एक्साइज वैट जो भी देना पड़ेगा, और मैं फूड के ऊपर GST पे करूंगा। लीकर की सर्विस चार्ज का देखिए, जो आप उसमें कह रहे हैं कि लीकर सर्व करने का मैंने सर्विस चार्ज लिया, वो तो आपकी रेस्टोरेंट सर्विस हो गई, और उस पर आपको मेरे हिसाब से GST लगाना चाहिए। क्यों सर? नहीं नहीं सर, लगाना तो जो इनका है कि लगाना क्या चाहिए जी। अब सर इसमें रेस्टोरेंट में ये चीज आएगी कि सर रेट क्या लगाएं, 5% लगाए, 12 लगाए, 18 लगाए, कई रेट है, तो सर वहां पे हमें वो क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा कि भाई आपका रेस्टोरेंट की सर्विस कौन सी वाली आ रही है, ठीक है ना जी। आप उस लेकिन लीकर के ऊपर वो चीज मतलब उस पर वो नहीं लगेगा आपका वैट वगैरह या जो भी लीकर पे। सर मैं आपको पहली चीज बताऊं, अगर मैं कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ूंगा, मुझे वहां पर बिल देखना पड़ेगा कि इन्होंने बिल कैसा लिया, क्या वो कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल करेगी या वो मिक्स सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल करेगी। अच्छा मैं फिर वही बात बता रहा हूं, देखो मैंने क्या बताया, एक्सपोर्ट टर्नओवर थी, विद पेमेंट थी या विदाउट पेमेंट, पहले बताओ क्या जी, विदाउट पेमेंट थी कि विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है, टैक्स तो देना नहीं है, टैक्स तो देना नहीं है, 3B और 1 में GSTR 1 में नहीं दिखाया, अगर GSTR 1 में दिखाते तो कॉलम नंबर 5 में जाती, ठीक है ना, तो फिर LUT जनरेट नहीं करी तो विदाउट पेमेंट कैसे होगी सर, अरे ऐसे थोड़ी होगा सर, ठीक है। तो सर मेरे हिसाब से अगर विद पेमेंट है तो कॉलम नंबर 4 में डालो, कॉलम नंबर 9 में डालो, टैक्स पे करो DRC 03 से, अगर विदाउट पेमेंट है कॉलम नंबर 5 में डालो। सब जब आपने LUT फाइल नहीं करा तो आप उसे विदाउट पेमेंट क्या कह सकते हो,
बिल्कुल जमा कराएं सर, हाँ जी बिल्कुल, विद पेमेंट करके फिर आप रिफंड क्लेम करो, और आप चेक भी कर लेना, रिफंड मिल जाएगा क्या आपको, ठीक है, उसमें इशू आएंगे आपको रिफंड में। एक्सपोर्ट किया मार्च का बिल था क्या जी, मई मार्च 18 का था लेकिन मई 18 में दिखा दिया। देखियो मैं आपको भी बता दूं सर, चाहे सेल का कोई भी बिल हो जो आपका छूट गया है, आप जो कॉलम मैंने बताए हैं उनमें से किसी एक में आएगा। अब अगर आपने विद पेमेंट है ना जी, वो हमारा टैक्स विद पेमेंट है और आपका छूट गया, तो साहब वो कॉलम नंबर 4 में ही आएगा। विदाउट पेमेंट है तो कॉलम नंबर 5 में आएगा। और अगर 18-19 में टैक्स पे कराए उसका, ठीक है जी, तो कॉलम नंबर 10 में आएगा और कॉलम नंबर 14 में आएगा। अब देखिए सर इनका क्वेश्चन क्या है, अगर आपका GSTR 1 में विदाउट पेमेंट का कोई बिल है, तो सर मैं आपको बता दूं हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम उस फॉर्म के इंस्ट्रक्शन चेक नहीं करते। तो विदाउट पेमेंट है लेकिन मैंने कहा टैक्स का रेट तो कुछ ना कुछ होगा ना जी, टैक्स का रेट है उसका 18%, तो मैं क्या करता हूँ जब उसे एक्सपोर्ट इनवॉइस में जाता हूँ विदाउट पेमेंट लेता हूँ और 18% के कॉलम में सेल डाल देता हूँ, टैक्स बनता नहीं है उस पर, ठीक है ना जी, और हमें लगता है हमने बिल्कुल सही एंट्री कर दी क्योंकि दिया ही कॉलम ऐसे हुए हैं भाई, रेट भी दिए हुए हैं तो इसका मतलब डालनी है। लेकिन जब मैं उसका इंस्ट्रक्शन फॉर्म खोल के पढ़ा तो मैंने उसमें एक चीज़ देखी, बल्कि मैंने नहीं देखी, मेरे एक मेंबर ने, ठीक है ना, उसने मुझे बोला कि सर ऐसे ऐसे जीरो में जाना, मैंने कहा नहीं साहब जीरो में नहीं जाएगा 18 में जाएगा, लेकिन उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा किसका जी, इंस्ट्रक्शन फॉर्म का। इंस्ट्रक्शन फॉर्म में क्लियर क्या लिखा है कि जी आपको चाहे 18% की सेल हो चाहे 12 की हो चाहे 5 की हो, आपको किसके अंदर दिखानी है, जीरो में, तो वो आप जीरो में ही दिखाएं, किसी और में ना दिखाएं। अब जो पीछे हो गया वो जाने दो, क्या जी, नहीं डिमांड नहीं निकलेगी क्योंकि वहां पे टैक्स कैलकुलेट नहीं हो रहा। हाँ सर आपका इनकम्प्लीट रह गया था क्वेश्चन, बताए। सर मेरे हिसाब से नहीं होगा। आप कहाँ से मैच कराओगे, आप पहली बात मैच ही नहीं करा पाओगे GSTR 1 की फिगर 3B की फिगर, क्या जी सर, आप मैं आपको बता रहा हूँ ना, टैक्स पे करो, जो गलती हुई है तो गलती का पनिशमेंट तो मिलेगा, रिफंड के लिए अप्लाई कर दो, अगर कुछ हो जाता है तो ठीक है। सर इनकी तो 3B सब चीज़ जा चुकी है ना सर, मैं अब आप बताओ ना, मैं 3B अब वाले में कैसे दिखा दूँ, नहीं सर आप मेरे को बताओ उसमें ये लिखा हो कि 17-18 की सेल को आप 19-20 के 3B में दिखा दो। सर देखिए मैं आपको बताऊँ, अगर ऐसी कोई नोटिफिकेशन है, ऐसा कोई सर्कुलर है तो मैं बात मान लूँगा, लेकिन अगर डिपार्टमेंट ने स्पेशल आपके नोटिस के अगेंस्ट लिखा है, ठीक है, तो आप एक बार कर ले, अगर डिपार्टमेंट एग्री करता है तो आप रिफंड ले लें। समझ लीजिए सर क्वेश्चन, डिपार्टमेंट अपने हिसाब से चलेगा। आपने बोला सर मैंने 3B में टैक्स दिया 50 लाख, GSTR 1 मैंने जब डाली थी 1 करोड़, एनुअल रिटर्न में मैंने डाला 50 लाख, जब मैं एनुअल रिटर्न में 50 लाख डालूंगा और मेरी जो ऑटो ड्राफ्टेड है उसमें 1 करोड़ आएगा, तो डिपार्टमेंट ये पूछेगा ना कि भाई इसकी समरी लिया। अब जब वो 1 करोड़ की समरी वो मेरे से कहेगा, मैं कहूँगा ये तो मेरी सेल ही नहीं है, मेरी तो सेल ही नहीं है, वो कहेगा ठीक है अगर वो तेरी सेल नहीं है तो मैं किसे पकड़ूंगा, रिसिपियंट को। हाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई, लेकिन ये चेक कर लेना अगर आपने बिल काटे हुए हैं। अब पहली बात आप ये बताओ, वो दिल्ली में सेक्शन 22 की और सेक्शन 25 की कंबाइंड रीडिंग पढ़ूंगा मैं, तो वो दिल्ली में सेल कर कैसे सकता है सर, आप ये बताओ ना सर। अच्छा अब आपने कहा सर बुक पब्लिशिंग है तो एग्जाम सप्लाई कर रहा है, जब वो एग्जाम सप्लाई कर रहा है तो सेक्शन 23 से मैं वो माफ हो गया जी, उसे रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराना तो मेरे को क्या उसकी ऑडिट करानी पड़ेगी, मैं उसका GST नंबर ही नहीं है क्या करूँ। दिल्ली से टोटल एग्जाम सप्लाई है ना सर, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर यूपी में लिया क्यों। ठीक है कोई बात नहीं, कोई नहीं, दिल्ली में कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं है, जब GST नंबर ही नहीं है सर मैं ऑडिट कहाँ से करूँ, नाइन कहाँ।
अब सर सर का क्वेश्चन है कि मैंने 10 11 में सप्लाई दिखाई, कॉलम नंबर 10 और 11 में सप्लाई दिखाई, उसका टैक्स मैंने पे कर दिया, जब मैंने सर मैं बता रहा हूँ, जब उसका आपने टैक्स पे कर दिया 14 में, कहीं ना कहीं वो सप्लाई मेरी 18-19 की 3B में आ रही होगी या नहीं सर? और जब मैं 3B में आ रही होगी, लेकिन क्या 18-19 की GSTR 1 में आ रही होगी? नहीं आ रही होगी। तो जब कभी भी वो मैच करेंगे, वो कहेंगे कि 17-18 में टैक्स कम आया था, 18-19 में उतना टैक्स आ गया, शांत हो जाएंगे। और अगर डिफरेंस आया तो नोटिस डाल के पूछ लेंगे। मान क्या लेंगे आप बता रहे हो? 14 नंबर में डालने का टैक्स पेबल और पेड का मतलब यही है कि वो पे हो गया है। और अगर वो पे नहीं हुआ तो भैया 10-11 में डालना ही नहीं था क्या जी? अब फिर वही बात, अगर आपने 19-20 में पे किया तो 10-11-14 तो आप पे एप्लीकेबल है ही नहीं, फिर तो किस में डालना है? 4 में, 9 में और DRC 03 से पे करना है। अगर तुमने स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से 19-20 की रिटर्न में पे कर दिया, उसका कोई माई बाप नहीं, कोई फायदा नहीं उसका। क्यों जी? सर 19-20 में टैक्स पे कैसे किया बताओ? 19-20 में पे करने के दो तरीके होते हैं टैक्स को, 3B और DRC 03। कैसे पे किया? अगर 3B में किया तो उसका तो कोई माई बाप है नहीं, और अगर DRC 03 से पे किया तो वो तो चाहे आपने 19-20 में किया या 20-21 में, वो तो वही वाली चीज आ गई। समझ रहे सर मेरी बात? आपने 19-20 में जो टैक्स पे किया सर, या तो 3B से पे किया होगा या DRC 03 से, 3B से पे किया है, तो वो जो टैक्स आपने पे किया है अगले मंथ में एडजस्ट कर लो, क्योंकि वो माना नहीं जाएगा कि आपने वो 19-20 में 3B से पे कर दिया, आपका वो लॉस हो सकता है। सर समझ पा रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्लियर हुआ सर या नहीं? सर का क्वेश्चन है 17-18 का टैक्स 19-20 में पे किया, 17-18 का टैक्स 19-20 में पे किया, तो पहली बात ना वो 10 में आएगा, ना 11 में आएगा, ना वो 14 में आएगा, उसकी डिटेल कॉलम नंबर 4 में जाएगी, कॉलम नंबर 9 में जाएगी। और कॉलम नंबर 4 में और 9 में जाने के बाद तुमसे पूछा जाएगा कि भाई 9 में तुम्हारा टैक्स पेबल था, पेड कहाँ किया? जब मैं पूछूंगा मैंने पेड करा सर DRC 03 से, तो क्योंकि अभी जो DRC 03 से आप पे कर रहे हो उसका कहीं रिकंसलेशन नहीं हो रही, वो तो DRC 03 में जमा हो गया, ठीक है, कल को तो पूछा जाएगा। लेकिन अगर गलती से किसी ने सलाह दे दी तुम्हें कि अब पे कर दो 19-20 में, तो वो गलत है। सर सर एक मिनट देखिए, ऐसे तो मैं भी छोटा नादान वाला हूँ, ठीक है, मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा, एक एक करके पूछ लोगे। हाँ DRC 03 से पे करो, ये 9 ही है सर, ये 9 ही खुला है, ये 9 ही तो खुला है। अब सर ने बोला सर जो DRC से पे करेंगे वो कहाँ दिखाएंगे? GSTR 9 में DRC से पे किया हुआ अगर टैक्स, कहीं नहीं दिखाएंगे। सर का क्वेश्चन है 8C और 13 में जो फिगर आएगी क्या वो कॉमन आएगी? पहली बात सर मैं आपको बता दूं, 8C में तो वो फिगर आएगी जो 17-18 का ITC था, पवित्र ITC था, ठीक है ना, मैं उसे लेना भूल गया, ठीक है जी, मैं कॉलम नंबर 8C में दिखाऊंगा, 8C बिल्कुल स्पेसिफिकली उसके लिए है, और साथ में उसे 13 में दिखाऊंगा, क्योंकि 13 भी क्या लिखा हुआ है, कोई फिनेंशियल ईयर 17-18 का ITC जो तुमने कब लिया हो, 18-19 में लिया हो, तो आप उसे 13 में दिखाओ। अब इसमें मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ आपको, जो मेरी इंटरप्रिटेशन है, आप बताना मैं गलत हूँ या सही, एक बार 13 को देखें। एक क्वेश्चन अभी बीच में आया था RCM वाला, ठीक है ना जी, RCM वाला क्वेश्चन आया था, इसमें यह था कि RCM का टैक्स था 17-18 का, पे करा 18-19 में, इलिजिबल मैं कब उसका ITC लेने के लिए? 18-19 में,
18-19 में हो जी। अब उसमें पहली बात वो वाला आईटीसी 8C में तो नहीं आएगा, लेकिन क्या वो 13 में आ सकता है? एक मैं आपको पॉइंट दे रहा हूं, क्योंकि वहां पर उन्होंने स्पेसिफिकली 8C में आरसीएम को एक्सक्लूड किया है। क्या वो मैं 8C में तो नहीं दिखाऊंगा, ये तो श्योर है। क्या मैं यहां 13 में दिखा सकता हूं? अगले साल तो सर, अगर मैं यहां पर उसे कॉलम नंबर 13 में नहीं दिखा सकता, तो मेरे हिसाब से हर केस में 8C और 13 सेम आएगा। क्या जी? अब इन्होंने कहा सर 13 में रह गया, अब जो हो गया सो हो गया, ठीक है ना? क्या जी? पहली बात, कभी भी कॉलम नंबर 8, कॉलम नंबर 8 आपको पता है किस लिए? बताओ किस लिए कॉलम नंबर 8? पता है हमें दिक्कत कब होती है? जब गवर्नमेंट अपना काम हमसे कराती है। कॉलम नंबर 8 हमारे किसी मतलब का नहीं है, कॉलम नंबर 8 गवर्नमेंट का है। सर गवर्नमेंट का कैसे है मैं बताता हूं। मेरे लिए तो कॉलम नंबर 13 है। कॉलम नंबर मैं आपको बताता हूं किस लिए है। 2A में आईटीसी आया 1,00,000 रुपए का, 8A में आईटीसी आया 1,00,000 रुपए का, लेकिन मैं उसे क्लेम करना भूल गया और अब मैं उसे क्लेम भी नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि जब हम टैक्स का बंटवारा करेंगे, जब भी आईटीसी की चैन ब्रेक हो जाएगी, तो हम अपने टैक्स का बंटवारा करेंगे। हम टैक्स का बंटवारा तब करेंगे जब आईटीसी की चैन ब्रेक हो जाएगी, या मेरा कोई इनएलिजिबल आईटीसी है। किस में आ रहा है जी? वो 8A में आ रहा है, लेकिन मैंने उसे क्लेम नहीं करा। उन दोनों आईटीसी को गवर्नमेंट को क्या करना है जी? बंटवारा। उस बंटवारे के लिए इन्होंने कॉलम नंबर 8 बनाया कि जो 8A में आईटीसी और तुम्हारा नहीं है, तुमने 8C में भी क्लेम नहीं करा, तुम्हारा इनएलिजिबल भी नहीं है, या तुम्हारा इनएलिजिबल है या ऐसा आईटीसी है जो तुमने क्लेम नहीं करा, तो इस पे हमारी नजर है। अब हम अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट इसे बांट लेंगे, उसके लिए कॉलम नंबर 8 है, और मेरे को क्लेम करने के लिए क्या है जी? 13। 8C में ना दिखाते, 13 में दिखा देते तो मिल जाता, लेकिन फिर गवर्नमेंट उस वाले आईटीसी को बांट जाती, क्योंकि तुमने किसमें नहीं दिखाया, 13 में, फिर तुम्हें कहती। इस वजह से गवर्नमेंट ने ये दो कॉलम बनाए। सर ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ मेरा? सर मैंने क्या बताया फिर? कॉलम नंबर 8 किसके लिए? गवर्नमेंट को टैक्स का बंटवारा होगा, क्योंकि टैक्स का बंटवारा कंपोजिशन स्कीम में होता है। जहां पर आईटीसी की चैन खत्म हो जाती है वहां होता है, सेक्शन 53 जब मैं पढ़ूंगा वहां पर यह बात लिखी है। लेकिन जब वो आईटीसी है ही नहीं, टैक्स पे हो गया सप्लायर से, लेकिन वो आईटीसी किसी को मिला ही नहीं, चैन ब्रेक हुई या नहीं, बंटवारा करें या नहीं, तो बंटवारा करने के लिए कॉलम नंबर 8 का सहारा ले। अब देखो कमाल की बात, ये जो 180 डेज की पेमेंट वाली बात है, हमारे सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने, सब लोगों ने इस वाले प्रोविजन को, 99% की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले प्रोविजन को फॉलो नहीं किया। और सर मैं आपको बताऊं, मैंने कई बार सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करी अपने क्लाइंट के व्याप पे, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये प्रोविजन है ही नहीं, ये चलेगा ही नहीं, और ये जो कपिल कह रहा है ये तो बेकार की बात कह रहा है, ये नया लड़का है ये क्या बताएगा। मैंने उनसे ये बोला, मैंने कहा साहब देखो, आप भी चार्टर्ड मैं भी चार्टर्ड, आप मुझे सिर्फ लो दिखा दो, लो में कहां लिखा है ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। हम पता कैसे करें? मैंने कहा भाई जहां नॉन ऑडिट केस है तब तो आपको पता करने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारी जिम्मेदारी कुछ है ही नहीं, जो मर्जी कराओ छोड़ो क्लाइंट को, लेकिन बोल के छोड़ो, क्योंकि कल को क्लाइंट ये कहेगा सीए साहब आपने नहीं बताया, क्योंकि क्लाइंट का तुम आईटीसी बचा रहे हो, रिवर्स नहीं कर रहे, और आपका क्या फायदा हो रहा है कि पहले रिवर्स करो फिर रिक्लेम करो फिर उसे मैच करते फिरो। देखो सहूलियत आप दोनों को दे रहे हो, अपने आप को भी और क्लाइंट को भी, लेकिन
लेकिन फिर रिस्क दोनों का है, ठीक है जी। तो 180 डेज वाला नॉन ऑडिट के केस में है, किसी ने फॉलो नहीं करा, मैं उसे ये नहीं कहूंगा रिवर्स कर और पे कर, ITC ले, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा नॉन ऑडिट केस में। नॉन ऑडिट केस में मैं क्लियर बोलूंगा कि भाई अगर तूने अब रिवर्स करा, अब तूने रिवर्स करा DRC 03 से पे करेगा रिवर्स करने के बाद, फिर उसका ITC लेगा, जब तू रिवर्स करेगा 18% का इंटरेस्ट देगा, दैट इज नॉट लॉजिकल। जब केस आएगा, जब गवर्नमेंट का आएगा, तब बोल दे भाई रिवर्स नहीं करा, लेकिन अब तो पेमेंट हो गई ना, अब तो मैंने 180 दिन के अंदर के बाद पेमेंट कर दी ना। जब मैं बाद में पेमेंट कर देता तो रूल 37 ये कह देता कि तुझे मिल जाएगा, तो ITC तो मुझे मिलना ही था, एक बार रिवर्स करना था और बाद में मिलना था। अब तुम्हारी लड़ाई किसकी है, इंटरेस्ट की है ना, तो इंटरेस्ट ले ले। लेकिन अगर ऑडिट केस है तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा, ठीक है जी, अपने 9C के अंदर उसमें क्वालिफिकेशन जरूर डालें। मैं बताऊं सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 का सेकंड प्रोविजन रेड विद रूल 37, वो ये कहता है कि अगर 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करी तो मैं आपका ITC रिवर्स करना पड़ेगा। ये कंडीशन क्यों हुई थी मैं आपको बताता हूं। साहब मैंने आपसे बोला, ये मैंने मेरा अपना लॉजिक है, मेरे को जेटली साहब ने बताया नहीं, ठीक है ना, मेरा अपना लॉजिक है। मैंने आपको सेल का बिल दिया, ठीक है ना जी, मैंने अपनी सर्विस का बिल दिया आपको किसी कंपनी को, मेरी सर्विस थी मान लो मात्र 5 लाख रुपए की, लेकिन मैंने बिल दे दिया 10 लाख का, मैंने कहा बड़ी कंपनी है बिल दे देता हूँ 10 लाख रुपए का, ठीक है, किसी ने रेफरेंस से काम दिलाया था, मैंने 10 लाख रुपए का बिल दे दिया और उस पर मैंने खुशी खुशी 1,80,000 रुपए टैक्स भी जमा कर दिया, ठीक है ना। जिसने रेफरेंस से काम दिलाया था उसने कंपनी को बोला आ गए 1,80,000, ठीक है, अब आधे आधे बांट लेते हैं। मैं उससे कह रहा हूँ पेमेंट तो दिला, वो कहता पेमेंट आ जाएगी, पेमेंट नहीं आई, मुझे नुकसान मेरे 5,10,000 से ज़्यादा दुख किस चीज़ का है, 1,80,000 का। वो व्यक्ति मेरे पास आएगा, वो कहेगा कपिल क्या करूं, ज्यादा नुकसान 1,80,000 का है, सर्विस दी कोई बात नहीं, 1,80,000 का नुकसान है, मैं कहूंगा छेड़छाड़ कर GSTR 1 में, उस बिल को 10 लाख रुपए की जगह 10 रुपए का डाल दे, डाल सकता है या नहीं। हाँ जी, छेड़छाड़ कर सकता है या नहीं। जब उसने छेड़छाड़ कर दी, ठीक है, तुम्हारा ITC खतरे में, तो गवर्नमेंट ने कहा भाई इस तरह की चिंदी चोरी वाले काम मत करना, हम तुम्हारी पेमेंट को इंश्योर कराते हैं कि अगर उसने पेमेंट नहीं करी, सुनो पूरी बात सर, ये मैं अपना लॉजिक बता रहा हूँ, फिर अगला दूसरा लॉजिक भी बताऊंगा, ठीक है, अगर उसने पेमेंट नहीं करी तो उसका मैं ITC रिवर्स करा दूंगी। मैंने कहा अगर ITC रिवर्स करा दोगी मुझे दिला दोगी क्या, कह रही नहीं तुझे तो नहीं दिलाऊंगी लेकिन उसका ITC रिवर्स करा दूंगी। तो पहली चीज तो इस चीज को करने के लिए थी कि लोग बाग इस चीज को मिसयूज ना करे कि अगर उसने बुक करा और ITC रिवर्स करा आज नहीं तो कल केस डाल के मैं पैसे ले लूंगा। क्या जी, नहीं सर, क्रेडिट नोट भी तो तब है जब सामने, अगर मैं ओरिजिनल लॉ की बात करूं, क्रेडिट नोट भी तो तब है जब सामने वाला अपना ITC रिड्यूस करे। अगर मैं क्रेडिट नोट को सेक्शन 34 को पढ़ूंगा तो वो कहता ना ITC रिड्यूस करे। और सर, हाँ, और सुमित जी, आप ये वाला क्वेश्चन मेरे से GST में पूछ रहे हो, क्यों सर्विस टैक्स में नहीं था क्या, ठीक है ना जी, तो सर्विस टैक्स में जो लॉजिक था भाई वो लॉजिक मान लो, नहीं तो मैंने तो अपने ये दो लॉजिक बना रखे, ठीक है, समझाने के लिए, और एक सर का लॉजिक मिल गया। चलिए अब फिर दोबारा 9 पे आ जाएं। सर क्या जी, GSTR 10 नहीं भरा। अब देखो सर, आप टॉपिक को भटका रहे हो, 9C से GSTR 10 पे आ रहे हो, बिल्कुल भरना पड़ेगा। क्या जी, बिल्कुल देनी पड़ेगी GSTR 10 की। भाई GSTR 10 सेपरेट प्रोविजन है सेक्शन 45 का,
आप सेक्शन 45 में जीएसटीआर 10 भरे, जीएसटीआर 9 भरे, अलग अलग है दोनों। सर नॉन ऑडिट में क्या करोगे, नॉन ऑडिट के केस में क्या करोगे? नहीं सर, जो ऑडिट में करोगे वही नॉन ऑडिट में करोगे ना। सर मैं आपको बताता हूँ, सर पहली चीज ये समझो, टेबल फोर के अंदर जो फिगर उठकर आती है वो आती है जीएसटीआर 1 से, टेबल 9 में जो फिगर उठकर आती है वो आती है 3B से। क्लियर है जी? हाँ जी सर, मैं लेफ्ट हैंड की बात कर रहा हूँ, मैं वही बात कर रहा हूँ सर। हाँ जी, टेबल 4 की फिगर आती है जीएसटीआर 1 से और टेबल 9 की फिगर आती है जीएसटीआर 3B से। सब इस चीज़ को समझिए, देखिए बार बार मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। पहली बात, दो इश्यूज को जीएसटीआर 9 में एक साथ क्लब मत कीजिए, इशू को सेपरेट करिए। अगर आपकी जब कॉलम नंबर 4 जीएसटीआर 1 से आ रहा है और कॉलम नंबर 9 जीएसटीआर 3B से आ रहा है, तो पहले ये चेक करो तुम्हारा ठीक कौन सा है। अगर आपका कॉलम नंबर 4 ठीक है ना जी, और 3B वाला कॉलम गलत है, 3B वाला गलत है और उस गलती को तुमने 18-19 में कहीं ठीक नहीं करा, तो मेरे को 10-11 टच ही नहीं करना, मैं सिर्फ कॉलम नंबर 9 का टैक्स पेबल वाला चेंज कर दूंगा। और अगर वो टैक्स पेबल वाला मेरा कम है और टैक्स पेड वाला ज़्यादा है, टैक्स पेबल वाला कम है और टैक्स पेड वाला ज़्यादा है, तो मैं RFD 01A से रिफंड ले लूँगा। और अगर टैक्स पेबल वाला ज़्यादा है और टैक्स पेड मैंने कम करा है, तो मैं DRC 03 से पे कर दूंगा। मैडम का क्वेश्चन, कॉलम नंबर 4 मेरा ठीक, लेकिन टैक्स ठीक नहीं दिया था, टैक्स दिया अगले साल 18-19 में। जब 18-19 में दिया तो जी 10-11 को टच करूंगा या नहीं? जैसे ही मैं कॉलम नंबर 10 में डालता हूँ, नीचे टर्नओवर दिखा देता है 4 की ऐड करके और 10 की ऐड करके। मैं कहता हूँ भाई क्या कर रहे हो? तो इस वाले केस में मैडम कॉलम नंबर 4 की टर्नओवर माइनस करनी पड़ेगी। जो जिस भी वाली है, जो भी है, अगर B2B है, B2C है, उस रेस्पेक्टिव कॉलम से वो माइनस करनी। आप बस आपको एक चीज देखनी है, जब टेबल नंबर 10 में जाओ, जो नीचे टर्नओवर आए वो 4+5+10-11 करके आती है, वो मैच होनी चाहिए। एक दो इशू में 9C पे पूछ लेता हूँ, 4+5 ठीक है, +10-11। अब एक व्यक्ति मुझे ये ना कह दे, अरे तो इनवर्ड सप्लाई वाली भी होती है, तो वो इनवर्ड सप्लाई माइनस कर लेता है वो वहीं पे, ठीक है। अब मैं एक 9C पे क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, आपने मेरे से बहुत पूछे, ठीक है, क्योंकि 9C हम यंगस्टर्स पे कम होते हैं 9C के ऑडिट, ठीक है, ऑडिट सब आप लोग लेके बैठे रहते हैं, ठीक है ना। तो 9C पे क्वेश्चन मुझे बता दीजिए, मेरी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है 2 करोड़ की, 2.5 करोड़ की, 2.5 करोड़ की हाउस प्रॉपर्टी से सर मेरी इनकम है, मेरे को GST नंबर लेना होगा ना जी? जी मेरी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, मेरे को GST नंबर लेना होगा, मेरी GST की रिटर्न भी गई है, लेकिन क्या मुझे इनकम टैक्स में ऑडिट कराना होगा जी? नहीं कराना होगा जी। मुझे GST में ऑडिट कराना होगा जी? तो जब मैं GST में ऑडिट कराऊंगा, 9B भरूंगा, 9C भी, तो जी 9C के अंदर जब मैं अटैच करूंगा P&L अकाउंट और बैलेंस शीट, तो मुझे क्या करना होगा? क्या जी कंप्यूटेशन लगा दो सर? नहीं सर, प्रॉफिट एंड लॉस तो आई नहीं ना, मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, कंप्यूटेशन से काम हो जाएगा उस केस में, मुझे मतलब इनकम टैक्स में ऑडिट कराना पड़ेगा। तो सर मैं वही तो पूछ रहा हूँ, GST ऑडिट 9C कराऊंगा तो वहां पर बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस मांगता है, क्या लगाओ? नहीं मैं तो सर आप ही से पूछ रहा हूँ, सर क्या बता रहे हैं आप, क्या करना? तो सर मैं जब GST ऑडिट कराऊंगा 9C में, P&L और बैलेंस शीट की जगह क्या लगाऊंगा? सर सब लोग इससे ही एग्री है,
और उसे किसी सीए से उसे उसे सर ये बताएं उसे सीए से मुझे ऑडिट कराना पड़ेगा सर आप बताएं मुझे मेरे को करा मुझे सीए से ऑडिट कराना पड़ेगा मुझे तो ऑडिट में कैसे कराऊंगा मैं तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कौन से एक्ट में कराऊंगा ऑडिट सर मैं ऑडिट अंडर जीएसटी एक्ट कराने को तैयार हूँ मैं ये कह रहा हूँ बैलेंस शीट और पी एंड एल जब अटैच करूंगा तब क्या करना है मुझे तो वो मुझे सीए से साइन कराना है सर देखिए सर हाउस बट रहा है इस वाले क्वेश्चन में सर मुझे मुझे तो सिर्फ एक सिंपल आंसर दे दीजिए मुझे मुझे इनकम टैक्स की जब मैं ये समझो मेरी बात सर इनकम टैक्स की रिटर्न मेरी फाइल है कंप्यूटेशन मेरी फाइल है मैंने जीएसटी का ऑडिट वो मेरे पास आया है काम होने मैंने जीएसटी का ऑडिट भी कर दिया ठीक है अब मुझे बस ये बता दीजिए जो पी एंड एल और जो पी एंड एल बैलेंस शीट अटैच करता हूँ वहाँ पर जो मैं कंप्यूटेशन और आई टी आर कुछ भी जो आप कहते हो अटैच करना है वो किसी सी ए से सर्टिफाई कराना या ऐसे ही कर दूँ चलिए सर कोई बात नहीं ये वाला एक मेरा क्वेश्चन था आप एक बार इसे एक बार थोड़ा सा एनालाइज करके जैसे कोई क्वेश्चन मुझे नहीं पता होता कई बार क्या लिखा हुआ हाँ मैं क्यों ऑडिट कराऊं इनकम टैक्स में नहीं मैं सिंपल अगर कंप्यूटेशन अटैच करता हूँ मैं आईटीआर अटैच करता हूँ क्या मुझे नोटिस आएगा चलिए इस क्वेश्चन के साथ आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से इंस्ट्रक्शन करते हुए काफ़ी अच्छा लगा मुझे सर 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 एक मिनट रिक्वेस्ट वी आर रियली थैंकफुल टू कपिल जी फॉर हिज वंडरफुल डेलीब्रेशन और मुझे लगता है शायद कोई क्वेरी बची नहीं है ये मेरी सोच है जो 100% गलत है वी आर प्लानिंग टू प्लान कमिटी बाय लास्ट वीक अगर डेट नहीं बढ़ती है तो अगर डेट नहीं बढ़ती तो वी आर ट्राई टू कॉल कपिल जी अगेन 22-23 तारीख को लेकिन तब से 9th ही रहेगा क्योंकि आज 9th काफ़ी असर हो गया क्वेरीज हो गई है वी ट्राई टू 9th सी जितनी क्वेरीज होगी वो 22 तारीख बनने की लास्ट में हमें चक्कर आने गलत है वो तभी रहेगा देखिए मेरा आप नंबर ले लीजिए 9968 बाकी सर आए कपिल जी व्यापक नहीं कहता हूँ आप इनको कभी भी क्वेरी दीजिए कभी भी फोन कीजिए अगर ये प्लीज कॉल आप कोशिश कीजिए कम से कम करने की आप व्हाट्सएप कीजिएगा और अगर कॉल करें तो सर आप अपना नाम बता के ईस्टर्न स्टडी सर्कल कॉल कीजिएगा और मैं प्लीज फोन नहीं उठाता हूँ सर्विंग के साथ अर्निंग भी करते हैं तो हम वो सारी अपडेट यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं वो डाल देते हैं और वो वीडियो सबको शेयर करते हैं आप सब्सक्राइब कर लो इनका चैनल आप जैसे ही अपडेट आएगी मिलती आपको ऑटोमेटिक आ जाएगी नॉट टू एनी केजे क्लासेस और मैं कई बार यूट्यूब पर मैं एक एक घंटे के लिए जैसे ये सेशन रखा है मैं ऐसे एक एक घंटे का लाइव सेशन ले लेता हूँ तो आप नॉर्मली वो मैं 7 बजे लेता हूँ कभी भी हफ्ते में एक दिन
तो आप उस लाइव सेशन में अटैच हो जाए और वहां पर अपनी क्वेरीज पूछ लें, ठीक है? तो मैं वहां पर भी जवाब दे दूँ, ठीक है ना? थैंक यू सर।